सुपरस्टार सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ओपन फायरिंग को लेकर क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम से लेकर मुंबई पुलिस ने जो अब तक जांच पड़ताल किए हैं उसमें एक नई अपडेट और शामिल हो गई है। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अब दोनों ही जो शूटर्स थे जिन्होंने घर के बाहर फायरिंग की, उन शूटर्स को बंदूक सप्लाई करने वाले दोनों ही आरोपी को भी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनका संपर्क सीधा लॉरेंस बिश्नोई के साथ बताया जा रहा है। शूटर्स के दोनों ही साथियां गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने ही बंदूक की सप्लाई की थी। आरोपियों के पास 40 गोलियां थी, रिपोर्ट्स कह रहे हैं 17 बरामद कर ली गई है अब तक। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बंदूक सप्लाई करने वालों को पंजाब से गिरफ्तार किया। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 15 मार्च को पनवेल पहुंचे थे ये दोनों आरोपी और दोनों दो बंदूक देकर वापस लौट गए थे। क्राइम ब्रांच के अनुसार पकड़े गए शूटर्स की मदद इन्हीं दोनों आरोपियों ने की थी और आरोपी का नाम सोनू सुभाष चंदर, जिसकी उम्र 37 है, तो सोनू की खेती और किराए की दुकान है। दूसरे आरोपी का नाम अनुज थापन है, जो 32 साल का है, ट्रक के हेल्पर का काम करता है। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ सीधा उसका संपर्क बताया जा रहा है। वसूली और आर्म्स एक्ट के मामले भी अनुज पर दर्ज पहले से रहे हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से रिपोर्ट।